हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ हो सकता है क्योंकि मैं ये वीडियो जो है रेलवे स्टेशन पे बैठ के बना रही हूँ। चलो लेकिन फिर भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 23 मई का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे और मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुँच गई थी। 14th क्वेश्चन, इसमें देखो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बट इसमें जो है हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि जो रोटेशन है हिप की वो कैसी हो रही है, वो एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है हिप की। तो मैंने आपको याद दिलाया था जब मैंने पेपर डिस्कस किया था कि जब भी हिप की एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है तो हमारा फीमोरल फ्रैक्चर होता है। तो हमारा क्या फ्रैक्चर होता है, फीमोरल नेक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी इंटरनल रोटेशन होती है, ठीक है, इंटरनल रोटेशन होती है तो हमारा हिप डिसलोकेशन होता है। हिप का क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि फीमोरल में, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो एफ के बाद क्या आ रहा है, ई, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होगा, फीमोरल। इंटरनल, एच के बाद क्या आ रहा है, आई, मतलब कि इन हिप डिसलोकेशन, आई माने इंटरनल डिसलोकेशन। वरना ऐसे देख लो, डिसलोकेशन में डी के बाद क्या आ रहा है, आई, आई क्या मतलब है, इंटरनल रोटेशन। तो अगर इंटरनल रोटेशन है तो हिप का डिसलोकेशन हुआ है, और अगर एक्सटर्नल रोटेशन हुई है तो फीमोरल का नेक फ्रैक्चर हुआ है। और ये क्वेश्चन आया था तो आपके पेपर में भी आ सकता है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फीमोरल नेक फ्रैक्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें हमारी एक्सटर्नल रोटेशन थी हिप की। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में डिजीनेस हो रही है, हार्ट रेट इतना है, ब्लड प्रेशर कम है, ये ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है, ठीक है, स्ट्रोक में जा रहा है बंदा। हार्ट बॉर्डर्स आर नॉट इन लास्ट, हार्ट बॉर्डर्स इन लास्ट नहीं है, हार्ट साउंड्स लाउड है, क्लियर है, ECG शोस पी वेव डिसकनेक्टेड फ्रॉम QRS। पी वेव क्या होता है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है कि आपका एट्रिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट करे। तो पी वेव होती है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और QRS कॉम्प्लेक्स होता है हमारा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसका ये जब दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, मतलब डिसकनेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल अलग अलग धड़क रहे हैं, अलग अलग उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उनमें कोई बैलेंस नहीं है कि पी वेव पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर वेंट्रिकल, ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ पी वेव इन रिलेशन टू QRS टी कॉम्प्लेक्स, पी वेव जो है QRS से उसमें भी नहीं है। तो पी और पी वेव का और QRS का जब डिसलोकेशन होता है तो वो हमें किस में देखने मिलता है, वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड डिग्री मतलब कंप्लीट AV ब्लॉक थर्ड डिग्री में देखने को मिलता है, जिसमें PP वेव्स और RR वेव्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, PP वेव्स का और RR वेव्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बॉडी है, इट वॉज फाउंड दैट फॉर एवरी 100 बर्थ, मतलब हर 100 बच्चे में वुमेन के रिस्क फैक्टर कितना है, 36 प्रीटर्म बर्थ होते हैं, जबकि वुमेन विदाउट रिस्क फैक्टर होते हैं 5 प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। जिनके रिस्क है उनके 36 प्रीटर्म बर्थ होंगे, और जिनके रिस्क फैक्टर नहीं है उनके 5 प्रीटर्म बर्थ, टोटल कितने हैं 100। यहाँ पे रिस्क फैक्टर विदाउट रिस्क फैक्टर, तो विदाउट रिस्क फैक्टर के 5 बर्थ हो रहे हैं और इसके 36 हो रहे हैं। अब ये बट स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग वुड बी ऑप्टिमल फॉर अ डॉक्टर टू यूज टू एस्टिमेट द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड। तो जब भी ऐसे कंपैरिजन करना होता है ना, तो हम इसमें यूज़ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स क्राइटेरिया, क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट क्राइटेरिया। लेकिन अगर सिर्फ दो ही चीज़ दी होती हैं तो उनमें हम कोरिलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में आपने निकाय मतलब एक बार ऊपर ऊपर से देखा तो देखा पोटेशियम लेवल दिया हुआ है, सोडियम लेवल दिया है, तो पोटेशियम लेवल वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। तो पोटेशियम लेवल की वैल्यू ये है और सोडियम की वैल्यू इतनी है, ECG क्या दिखा रहा है, इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स। तो आपको पता होगा कि जब टी वेव्स जो है वो इनलार्ज्ड होती हैं, जब ज़्यादा होती है तो हाइपर कलेमिया होता है, और जब टी वेव इन्वर्ज्ड होती है तो हाइपोकलेमिया होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्जन ऑफ टी वेव है, मतलब पोटेशियम कम है, ठीक है। फिर सोडियम लेवल चेक करो, सोडियम लेवल की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज्ड है, तो सोडियम बढ़ा हुआ है। तो पोटेशियम कम सोडियम ज़्यादा, ये किस में होता है, ये होता है कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, ठीक है। ये किस में होता है, कौन सिंड्रोम या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। अब अगला क्वेश्चन देखो,
इसमें पहली लाइन पढ़ी मैंने, इसमें पेनलेस रैश था, तो मेरे को लगा भाई पेनलेस रैशेज तो है वो साइफिलिस में होते हैं, क्योंकि साइफिलिस को हम ऐसे पढ़ते हैं साइफिलेस, मतलब कि पेन लेस रैशेज, लेकिन वो रैश जिनाइटल ऑर्गन पे होते हैं, पर ये कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये हो रहे हैं नीज पे, तो ये साइफिलिस का केस नहीं है, ठीक है। और पढ़ो, 4 महीने पहले उसके अब अपीयर होने लगे, एल्बो में भी रैश होने लग गए थे, ठीक है। रैश में खुजली मचती है, खून आता है जब वो स्क्रैच करती है, तो जब ब्लीड करता है ना हैंड स्क्रैच, तो ये ऑस्पिस साइन पॉजिटिव होता है। इस साइन को क्या बोलते हैं, ऑस्पिस साइन पॉजिटिव, जब स्क्रैच करे और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए। पेशेंट नोट्स दैट ऑन हिज एल्बो रैश अपीयर्ड आफ्टर ही हैड बीन स्क्रैच्ड बाय अ हाउस कैट, जब बिल्ली ने उसको झुलका मारा उसके बाद। फिजिकल एग्जामिनेशन डेटा इज डेंस एरिथेमेटस प्लेक्स 2 to 3 cm इन डायमीटर ऑन द नीज एंड एल्बोज, द प्लेक्स हैव अ क्लियर कॉन्टोर एंड आर कवर्ड इन सिल्वरी स्केल। तो जब भी सिल्वरी स्केल से कवर्ड होता है, इसका मतलब कि सिल्वर स्केल्स किस में आते हैं, सोरियासिस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोरियासिस। लेकिन किसी के आंसर की में इसका एक्जिमा दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर सोरियासिस है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें वारफेरिन दिया हुआ है, तो वारफेरिन के लिए मेजर क्या करते हैं, INR, मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो चेक करते हैं वारफेरिन के लिए, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था कि क्या वो चेक करेंगे, तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लो, आप ये क्वेश्चन ना धीरे धीरे पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। इसका जो है 30 हफ्ते में बच्चा पैदा हुआ था, उसका वेट कितना था, इतना, 30 हफ्ते मतलब कि वो प्रीटर्म बर्थ हो रहा है, ठीक है, और वेट बहुत कम है उसका, मतलब या तो सास इंट्रायूटराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें एपनियाज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट गैस्पिंग आ रही है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट 98 है, सिल्वरमैन स्कोर 9 पॉइंट्स है, एडिशनल ऑक्सीजनेशन डिड नॉट इम्प्रूव द चाइल्ड्स कंडीशन। तो डॉक्टर क्या करेगा, तो देखो उसने ऑक्सीजन देने की कोशिश की, उसके बाद भी उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, तो हम CPAP भी कर लेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर लेंगे लंग्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये आया था यूक्रेन सिटीज़ में टूथ इनेमल, जब भी टूथ इनेमल दिखे, उसका कैल्सिफिकेशन हो रहा है या फिर उस पर लेयर आ रही है येलोइश कलर की, तो हमेशा उसका आंसर होगा फ्लोरिन लेवल एक्सेस इन वाटर, ठीक है। और इस बार जो क्रॉप के क्वेश्चन है, प्लीज़ प्लीज़ आप हर एक ड्रग याद कर लेना, जिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी ड्रग पूछी गई है, वो सारी ड्रग्स आपको याद करनी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ड्रग्स वाले आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि PVT में कौन सी ड्रग देंगे हम, ठीक है, कौन सी देंगे, लिडोकेन देंगे, ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो क्या ड्रग देंगे उसको, क्या इम्प्लांट करेंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में रिपीट हुए थे, तो आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो आप उनको अवॉइड मत करना, एक पेज पे अलग से लिख लो कि भाई इसकी ये ड्रग मानिए, इसकी ये ड्रग मानिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम यही काम कर सकते हैं। अब अगला है, ऑन द 4th डे ऑफ लाइफ अ हेल्दी न्यू बॉर्न चाइल्ड डेवलप मिलेना स्टार्टेड वोमिटिंग कोएगलोग्राम प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये इन सब फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी इन सब फैक्टर की क्यों हुई, क्योंकि उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, जो विटामिन के की डेफिशिएंट हुई इसी वजह से तो ये फैक्टर कम हुए, और जब ये फैक्टर कम होंगे तो बच्चे के क्या होंगे, हेमोरेजिक डिजीज़ होगी, क्या होगी बच्चे की, हेमोरेजिक डिजीज़ होगी न्यू बॉर्न के, ठीक है। अगला फिनाइल किटोनेरिया, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, फिनाइल किटोनेरिया है तो उसके हम क्या क्या उसको रिकमेंड करेंगे, तो हम उसके लिए स्पेशल डाइट देते हैं बच्चे को, इसका आंसर याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में आइज में रेडनेस है, यूरिनेशन में पेनफुल हो रहा है, और आँख में से पुरुलेंट डिस्चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ये 3 ट्राइड बने, ठीक है, आर्थराइटिस, यूरिथराइटिस और आइज वाली, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन का जो आंसर होता है वो होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, क्योंकि रिएक्टिव अर्थराइटिस का ही दूसरा नाम रीटर सिंड्रोम है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था हमारे पेपर में 23 मई को, तो आपका भी आ सकता है। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इओसिनोफिल कितनी है, 8% दी हुई है, ठीक है। जब भी इओसिनोफिल 8% है, या फिर आपके में यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर वो वाला साइन, क्या बोलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, MI हुआ था उसको, चेस्ट पेन हुआ था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, रेस्पिरेटरी फाइन बर्पन इन क्रैकल्स था, डायग्नोज विद राइट साइडेड एक्जुडेटिव प्लूरिसी, उसके राइट साइड में प्लूरिसी हो रखी है, ल्यूकोसाइट्स इतने हैं, ESR बढ़ा हुआ है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन पूछा था, तो इओसिनोफिलिक का कॉम्प्लिकेशन जो है कार्डियक अस्थमा होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेना। अब वो वाला क्वेश्चन जो है वो अभी आप आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
तो इसमें क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसके ब्रोंकियल्स में एलर्जिक राइनाइटिस है। तो आप एक बात याद कर लो, जब भी हिस्ट्री में तीन ट्राइड, एक ट्राइड मिलती है जिसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और तीसरा होता है ब्रोंकियल अस्थमा का, ठीक है। तो जब ये तीन चीज़ मिलती हैं, तो अब देखो इसमें दो चीज़ मेंशन की हुई है, अस्थमा मेंशन किया हुआ है, एलर्जिक राइनाइटिस मेंशन किया हुआ, तो बचा क्या, एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिबोरिक, तो सिबोरिक ग्लैंड का तो डिफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या मारा, इसका आंसर मारा हमने एक्जिमा, क्योंकि एक्जिमा ही एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखो, इसमें उसके कहाँ पेन हो रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिस्टाइटिस वाले का आंसर मिलेगा, सिस्टाइटिस वाले का आंसर आपको वहाँ मार्क करना है जहाँ पे सुप्रा प्यूबिक पेन मिले आपको, कि उसके सुप्रा प्यूबिक पेन हो रहा है, ठीक है। रीनल कोलिक हमेशा आंसर मिलेगा जब आपके सडन ऑनसेट हो पेन का, क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसके अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया, तो सडन ऑनसेट ऑफ पेन वहाँ पे आपको आंसर मारना होता है रीनल कोलिक, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ब्लड यूरिन में मिलेगा आपके, ठीक है। और पाइलोनेफ्राइटिस कब मिलेगा, पाइलोनेफ्राइटिस तब मिलेगा तब उसके बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो यूरिन में, चलो वो तो हो गए, लेकिन इसमें पेन कहाँ होगा, लंबर एरिया में पेन, कहाँ पेन होगा इसके, लंबर एरिया में। तो अगर लंबर एरिया, अब क्वेश्चन देखो, इसमें फीवर है इतना, लंबर एरिया में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पास्ट टेंस के साइन पॉजिटिव है, वेरी गुड, तो ये भी पाइलोनेफ्राइटिस का साइन है। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस है, ठीक है, पाइयूरिया और बैक्टीरिया दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके इन्फेक्शन है। तो सिस्टाइटिस होता है इन्फेक्शन में, तो सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, लेकिन यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस है क्योंकि लंबर एरिया में पेन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 40% ऑफ पेशेंट विद बैक्टीरियल निमोनिया डेवलप कॉन्कॉमिटेंट प्लूरल इफ्यूजन, दिस डायग्नोसिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय चेस्ट एक्सरे इन डायरेक्ट वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो इसके लिए कितना फ्लूड होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम जो है 300 ml ऑफ लिक्विड होना चाहिए, यह आप याद कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट कैसे पता लगेंगे, तो एक साल में कितने बच्चों की मृत्यु हुई इसी से पता लगा सकते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो वन ईयर ऑफ एज में इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट, वन ईयर की एज वाला आंसर मानना है, ये आया है और आपके में भी आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, इसके क्या है, 64 ईयर ओल्ड मैन है कम टू अ डॉक्टर विद कंप्लेंट्स ऑफ एडिमा ऑफ द लेग्स लोअर बैक एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विद ब्रोंकाइक्टेसिस। उसके क्या है, ब्रोंकाइटिस है, साथ में ब्रोंकाइक्टेसिस भी है, फिजिकल एग्जामिनेशन मिला, ये सब है। उसका क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, भाई कोलेस्ट्रॉल किस में मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो नेफ्रोटिक है ये रहा, ये और एक ऑप्शन है ये, तो बाकी सारे ऑप्शन रूल आउट हो गए, अब दो बचे, ठीक है। अब हमें अमाइलोइडोसिस के लिए क्या ढूंढना होता है, कि हिस्ट्री जो है वो लार्ज होती है, मतलब क्रोनिक डिजीज़ होती है, उसे 10, 5 या 15 साल से उसको है वो कंडीशन, तो अमाइलोइडोसिस होता है। तो अब देखो, उसके हिस्ट्री थी ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक डिजीज़ की हिस्ट्री